मेरा नाम योगेंद्र सिंह है, मेरी उम्र 21 वर्ष है। मैं बीकानेर ज़िले के खाजूवाला तहसील का रहने वाला हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ। शुरुआती दिनों में मेरे बाएं हाथ में सुन्नपन जैसा एहसास होता था, जिसके बाद हम जयपुर SMS हॉस्पिटल में इलाज के लिए गए थे, जहाँ डॉक्टर्स ने शुरुआती जाँचें करने के बाद MDT मल्टी ड्रग थेरेपी का ट्रीटमेंट प्रारंभ किया था। ट्रीटमेंट लगभग नवंबर 2021 से प्रारंभ हुआ था। ट्रीटमेंट प्रारंभ होने के बाद प्रत्येक 15 दिन में मेरे पास NLR इंडिया फाउंडेशन की तरफ से कॉल आता था, जिसमें मेरे काउंसलर श्री शिव नारायण मीणा जी द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जाती थी, जिसमें मेरे काउंसलर द्वारा मुझे सेल्फ केयर, SDR तथा अन्य विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई थी, जिसमें उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट के दौरान किस प्रकार की सावधानियां बरतनी है तथा किस प्रकार की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है उसके बारे में बताया था। इसके अलावा ट्रीटमेंट के दौरान मेरे मन में कई प्रकार के प्रश्न थे, जो मैं मेरे काउंसलर से साझा करता था, जिनका मेरे काउंसलर द्वारा बहुत ही विनम्र तरीके से आंसर दिया जाता था। ट्रीटमेंट के दौरान मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा एहसास होता था कि ट्रीटमेंट के आवश्यक परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। लेकिन मेरे काउंसलर द्वारा मुझे ट्रीटमेंट बंद करने के नकारात्मक प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई थी, जिसके बाद मैंने मेरा जो MDT की टेबलेट्स का 1 वर्ष का कोर्स था वो कंप्लीट किया। इसके साथ साथ मेरे काउंसलर शिव नारायण मीणा जी द्वारा मुझे केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा विभिन्न प्रकार की पेंशन स्कीम्स के बारे में भी जानकारी दी गई थी, जो कि मुझे पूर्व में नहीं पता थी। इसके लिए NLR इंडिया फाउंडेशन तथा मेरे काउंसलर श्री शिव नारायण मीणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। धन्यवाद।